जबलपुर में चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है, जहां गिरिराज किशोर वार्ड में फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायत की गई। एक महिला द्वारा पीठासीन अधिकारी को फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायत की। वहीं मामले की सूचना पाकर गोरखपुर सीएसपी भी मौके पर पहुंचे। वहीं महिला पूनम राजपूत ने बताया कि वो जब अपना वोट डालने के लिए शंकर आईटीआई मतदान केंद्र पहुंची तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें कहा गया कि उनका वोट हो चुका है, जबकि वो वहाँ वोटिंग के लिए गई ही नहीं थी। पूरे मामले में फर्जी वोटिंग होना बताया गया है। वहीं गोरखपुर सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि पूनम राजपूत नाम की महिला द्वारा बताया गया है कि वो जब वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंची तब पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया था कि उसकी वोट डल चुकी है, जिसके बाद महिला ने आपत्ति दर्ज करवाई है। मामले में टेंडर वोटिंग के जरिए महिला का वोट डलवाया जाएगा और पुराने वोटिंग को निरस्त करवा दिया जाएगा, जिसके लिए पीठासीन अधिकारी को कहा गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। दान करने गई थी, हाँ जी, और आपको पता चला वहाँ आपका वोट डल गया, क्या जी हुआ जी। वहाँ पे वोट डल चुका था जब मैं गई थी, तो साइन भी देखा मैंने और वहाँ जाके देखा कि वोट डल चुका। सर ने बोला कि आपका तो वोट डल चुका है, जो टिक लगा रहता है। तो मैंने कहा मैं तो आई नहीं, मैं तो अभी आई हूँ और मेरी पर्ची भी मेरे पास थी। तो जब वोट डल चुका है तो किस वजह से डल रहा है मेरे को मालूम नहीं है। और मैं गिरिराज किशोर वार्ड से हूँ और पूनम राजपूत बोल रही हूँ, और शंकर आईटीआई जो है ना वहाँ से वोटिंग हो रही है। तो अब मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि किसने वोट डाला है। अब ये तो जांच की जाए। और भ्रष्टाचार हो रहा सदा, मतलब सदा पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि अभी भी जो मोदी जी हैं या योगी जी हैं उनके राज में भी भ्रष्टाचार होगा, तो ये अच्छा नहीं है ना। जब आपने आपत्ति जताई तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? उसके बाद कार्रवाई, टीआई मैडम आई थी तो उनने ये बोला है कि आपका वोट डलेगा, तो आवेदन लगा के फिर वोट डालेंगे बोले। हाँ, वोट मेरा अभी डला नहीं है, मैं जा रही हूँ वोट डालने। मेरा पूनम राजपूत। सूचना मिली थी इस शंकर आईटीआई केंद्र पर कि एक महिला यहाँ वोट देने आई थी जिसका ऑलरेडी वोट डल चुका था, पर पीठासीन अधिकारी जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनसे बातचीत करी। बातचीत करने पर पता चला कि कोई समस्या आई होगी जिसमें दो बार नाम आ गया हो, क्योंकि पर्ची बीएलओ भी दे रहे हैं और पार्टी के एजेंट्स भी दे रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या आई होगी। पर उसका टेंडर वोटिंग के लिए बता दिया है, फॉर्म भरा कि उसकी वापस से वोटिंग होगी। कोई पार्टी विवाद तो नहीं हुआ है? नहीं, पार्टी वाले खड़े थे पर विवाद हुआ नहीं, हम लोगों ने समझा दिया, वो लोग भी समझ गए और ऐसी कोई समस्या नहीं है।